हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फ्रीज गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जिसको हम समरफील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और इस टॉपिक को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन वन डायमेंशनल बॉक्स। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिस्कस की थी क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, और क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स थे। उन्हीं ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए 1928 में समरफील्ड ने एक न्यू थ्योरी प्रपोज की थी, जिसको नाम दिया गया था समरफील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। और यहाँ पर समरफील्ड ने क्या किया था, समरफील्ड ने क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के जो मेन फीचर्स थे उसको तो रिटेन किया ही किया था, साथ के साथ समरफील्ड ने इलेक्ट्रॉन को एज अ क्वांटम पार्टिकल ट्रीट किया था। और उन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, और साथ के साथ इलेक्ट्रॉन जो हैं क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, जो कि है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, उसको फॉलो करते हैं। और समरफील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड थी। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको स्टार्ट कहां से करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, समरफील्ड प्रपोज्ड क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी 1928। इससे पहले हमने डिस्कस की थी क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जिसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, वो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो इन्हीं ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए 1928 में समरफील्ड ने क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का प्रपोजल दिया था। ही ट्रीटेड इलेक्ट्रॉन एज क्वांटम पार्टिकल, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक क्वांटम पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। He retained the vital features of classical free electron theory and included the Pauli exclusion principle and Fermi Dirac statistics. Summerfield ने classical free electron theory के जो important features थे उसको तो रखा ही अपनी theory में, साथ के साथ उन्होंने ये कहा कि electron जो होंगे metals के अंदर वो Pauli exclusion principle को follow करेंगे, साथ के साथ वो Fermi Dirac statistics को भी follow करेंगे, जो कि quantum statistics है। The main assumptions of quantum free electron theory are as follows. Quantum free electron theory जो है वो कुछ assumptions पर based थी, आइए उन assumptions की बात करते हैं one by one. तो first assumption थी, the free electrons inside a metal can have discrete energy values, thus the energies are quantized. देखिए students, Summerfield ने क्या कहा था, Summerfield ने हमें ये कहा था कि electrons जो होंगे metal के अंदर वो discrete energy states में होंगे, तो मींस इलेक्ट्रॉन्स की डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज होंगी, मींस इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होंगी वो कॉन्टिन्यूस नहीं होंगी, वो क्वांटाइज्ड होंगी। द इलेक्ट्रॉन्स ऑब ए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट देयर कांट बी मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ऑबे करेंगे, मींस एक एनर्जी लेवल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। No two electrons can have same set of quantum numbers. तो students, बाकी की assumptions हम देखेंगे next section के अंदर। तो students, आइए बात करते हैं बाकी बची हुई assumptions की। The third assumption is the distribution of electrons in various energy levels obey Fermi Dirac quantum statistics. जो electrons का distribution होगा metal के अंदर in different energy levels, वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग होगा। थर्ड अजम्पशन से आगे है फोर्थ अजम्पशन। फोर्थ अजम्पशन को पढ़ने से पहले हम फिफ्थ अजम्पशन पढ़ते हैं, क्योंकि फिफ्थ अजम्पशन समझ आ गई तो आपको फोर्थ अजम्पशन समझ आ जाएगी। द
the force of attraction between electrons and lattice ions and the force of repulsion between electrons can be neglected. ये फीचर जो है वो बिल्कुल क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से उठाया गया है. ये फीचर हमें क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में म्यूचुअल रिपल्शन होगा और जो पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा उसको यहाँ पर टोटली नेगलेक्ट किया गया है. मींस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मेटल के अंदर किसी भी प्रकार की फोर्स एक्ट नहीं करेगी. तो हमें पता है फोर्स जो होता है वो होता है माइनस डीवी बाय डीएक्स, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अगर फोर्स जीरो हो गई तो यहाँ से डीवी बाय डीएक्स जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से वी जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा. मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी विद इन द मेटल वो यूनिफॉर्म होगी, कॉन्स्टेंट होगी विद इन द मेटल. और इस कॉन्स्टेंट पोटेंशियल एनर्जी को हम ले लेंगे जीरो, क्योंकि जो पॉजिटिव आयन कोर्स की वजह से पोटेंशियल रहेगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर विद इन द मेटल वो यूनिफॉर्म रहने वाला है. आइए अब बात करते हैं फोर्थ अजम्पशन की. फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल टू जीरो एवरीवेयर विद इन द मेटल बिकॉज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव आयन कोर्स इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मेटल. जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो यूनिफॉर्म होगी, कॉन्स्टेंट होगी, और उस कॉन्स्टेंट वैल्यू को हम जीरो मान लेंगे क्योंकि जो पॉजिटिव आयन कोर्स की वजह से पोटेंशियल होगा वो यूनिफॉर्म रहने वाला है थ्रू आउट द मेटल. लास्ट अजम्पशन इज द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रीटेड एज वेव लाइक पार्टिकल्स. इलेक्ट्रॉन जो हैं क्योंकि क्वांटम पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी शो करेंगे. मीन्स इलेक्ट्रॉन के मोशन को हम किसी वेव फंक्शन साई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम आने वाले सेक्शंस में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सहारा लेने वाले हैं जिस पर हमारी पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो बेस्ड है. तो स्टूडेंट्स दीज वर द अजम्पशंस ऑफ क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी. इसके बाद हम देखेंगे मैथमेटिकल पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. तो स्टूडेंट्स अब हम ये शो करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज होती हैं विद इन द मेटल वो क्वांटाइज्ड होती हैं. तो इसके लिए हम ये मान के चलेंगे कि जो मेटल बॉक्स होगा वो एक वन डायमेंशनल बॉक्स की तरह एक्ट करेगा, और उस वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन एज्यूम करेंगे ऑफ मास m. सो दिस इज वन डायमेंशनल बॉक्स. इस वन डायमेंशनल बॉक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो जीरो होगी, एंड आउटसाइड द वन डायमेंशनल बॉक्स जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो इनफाइनाइट होगी. इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी होने का मतलब ये है आउटसाइड द बॉक्स की इलेक्ट्रॉन को आउटसाइड द बॉक्स फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो होगी, और जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी विद इन द बॉक्स वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी. और हम ये मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है जब इस बॉक्स की वॉल से कोलाइड करेगा तो वो कोलिजन जो है वो इलास्टिक होगा. मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है जितनी एनर्जी के साथ इन वॉल से कोलाइड करेगा उतनी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो रीबाउंड भी होगा. यहाँ पर किसी भी प्रकार का एनर्जी लॉस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा. और यहाँ पर हम ये भी मान के चलेंगे कि ये जो वॉल्स होंगी ये नॉन पेनिट्रेबल होंगी, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी बॉक्स में रहेगा, इन वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकता. मीन्स इलेक्ट्रॉन को आउटसाइड द बॉक्स फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो जीरो होगी. और हम ये मान लेते हैं कि इस बॉक्स की जो विड्थ है वो है एल, और ये है इस बॉक्स की लिमिट एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू एल. तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे आप. कंसिडर द इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ एल अलोंग एक्स एक्सिस. हमने ये मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, उसको हमने वन डायमेंशनल बॉक्स में कन्फाइन कर दिया है जिसकी लेंथ l है, और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का वन डायमेंशनल मोशन को ही कंसिडर करेंगे. हम ये मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो x एक्सिस के अलोंग ही मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है. द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन vx फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय. इस इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होगा vx उसको हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं. देखिए x greater than 0 and x less than L के लिए जो potential energy है electron की वो 0 है. So potential energy is 0 for x greater than 0 and less than L. And potential energy is infinite for x less than 0, for x less than 0 and x greater than L. So this is the potential energy function for an electron confined in one dimensional box. 1D Schrodinger wave equation is given by.
अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सहारा लेंगे टाइम इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वन डायमेंशनल बॉक्स पर वो टाइम से इंडिपेंडेंट है, और वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है डी स्क्वायर फाइव बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन एल वी जो है वो जीरो है यहाँ से, सो इक्वेशन वन बिकम्स, तो यहाँ पर वी की जगह जीरो पुट कर दो तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर फाइव बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम बाई एच कट स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे डी स्क्वायर फाइव बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम बाई एच कट स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट्स इसको हम पुट करेंगे के स्क्वायर इस टर्म को, तो आप लिखेंगे डी स्क्वायर फाइव बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी वेयर के स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम ई बाई एच कट स्क्वायर, सो के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू एम ई बाय एच कट स्क्वायर, जहां से k की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट टू एम ई बाय एच कट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये k की वैल्यू ये कैसे आती है इसको हम अलग से साइड में प्रूव कर सकते हैं इन द रफ वर्क। तो k जो है वो वेव वेक्टर होता है, और वेव वेक्टर और वेवलेंथ में ये रिलेशन होता है k इज इक्वल टू टू पाई बाय लैम्डा, और लैम्डा यहाँ पर है डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हमें ये कहता है कि हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, और उस वेव की वेवलेंथ को हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। और डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच अपॉन पी। पी जहां पर मोमेंटम है पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बॉक्स के अंदर तो इसके साथ भी एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, ये वेव की तरह बिहेव करेगा और वो वेवलेंथ होगी एच अपॉन पी। तो यहाँ पर लैम्डा की जगह एच अपॉन पी पुट कर दो तो आपको मिलेगा के इज इक्वल टू टू पाई पी बाय एच। अब हमें पता है पी और कनेटिक एनर्जी ई में क्या रिलेशन होता है, हमें पता है कनेटिक एनर्जी ई होता है हमारे पास पी स्क्वायर बाय टू एम, तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट टू एम ई, तो इस पी की जगह आप पुट कर दो स्क्वायर रूट टू एम ई, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट टू एम ई, इस टू पाई को एच के नीचे कर दो एच अपॉन टू पाई, एच अपॉन टू पाई होता है एच कट, सो के विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट टू एम ई बाय एच कट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ के जो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है। तो अब ये जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशंस को मैथमेटिक्स में आप बहुत बार सॉल्व करते हैं, और इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू इज गिवन बाय साई एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके हमें साई की वैल्यू मिलेगी, वन डायमेंशनल मोशन है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ पर एक्स लगाएंगे और साई की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो ये मिलेगी ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी, जहां पर ए एंड बी जो है वो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। ए एंड बी की वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। आप देख सकते हैं कि जब x इक्वल टू जीरो होगा तो यहाँ पर जो वेव फंक्शन होगा साई x वो जीरो होगा, और x इक्वल टू एल पर भी हमारा वेव फंक्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहली बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे एट x इज इक्वल टू जीरो साई x इज इक्वल टू जीरो, एट x इज इक्वल टू जीरो साई इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर साई की जगह जीरो पुट कर दो और x की जगह जीरो पुट कर दो तो आपको मिलेगा a साइन जीरो जो है वो जीरो हो जाएगा प्लस b कॉस जीरो जो है वो वन हो जाएगा, तो यहाँ से बी की वैल्यू आपको जीरो मिल जाएगी। इसे हम देते हैं फिफ्थ इक्वेशन, बी की जीरो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा यूजिंग फाइव इन फोर, यूजिंग बी इज इक्वल टू जीरो इन फोर, तो आपको मिलेगा साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स। तो स्टूडेंट्स इसको हम देते हैं सिक्स्थ इक्वेशन, इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने साई की वैल्यू निकाली थी ए साइन के एक्स, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन थी। अब हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे एट एक्स इक्वल टू एल साई एक्स विल बी अगेन जीरो, एट एक्स इक्वल टू एल साई एक्स इज ऑल्सो जीरो, सो फ्रॉम सिक्स, तो यहाँ पर साई की जगह जीरो पुट कर दो और इस एक्स की जगह एल पुट कर दो तो आपको मिलेगा जीरो इज इक्वल टू ए साइन के एल। इसका मतलब ये है कि या तो a जीरो होगा या साइन के एल जीरो होगा। a जीरो नहीं हो सकता क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो वेव फंक्शन जो है वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। अगर वेव फंक्शन जीरो हो गया तो मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉक्स के अंदर नहीं है, बट एक्चुअली
इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉक्स के अंदर ही है, तो ए जो है वो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वेव फंक्शन जीरो नहीं हो सकता विद इन द बॉक्स. सो साइन के एल इज इक्वल टू जीरो एज ए कैंट बी इक्वल टू जीरो. साइन कब जीरो होता है, साइन के इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जो है वो जीरो होते हैं. सो साइन के एल विल बी इक्वल टू साइन एन पाई, जहां पर एन की वैल्यू जो है वो जीरो वन टू थ्री कुछ भी हो सकती है. तो यहां से के एल की वैल्यू मिल जाएगी एन पाई, सो के आ जाएगा एन पाई बाय एल, और स्क्वेयर करेंगे दोनों तरफ तो हमें मिलेगा के स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर. पिछले सेक्शंस में हमने के स्क्वायर की वैल्यू लिखी थी, वो थी 2me by h cut square, तो इस k square की जगह हम पुट कर देंगे 2me by h cut square. तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके e की वैल्यू मिल जाएगी m square pi square h cut square by 2ml square. ये हमारी 7th इक्वेशन होगी. दिस इज द इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth एनर्जी स्टेट. तो हमें डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम पहले एनर्जी आई एन वैल्यूज फाइंड करेंगे n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके, पुट n इक्वल टू 1. तो आपका E1 आ जाएगा यहाँ से, N की जगह 1 पुट करने पर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर. और इस एनर्जी को हम बोलते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी या फिर ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ग्राउंड स्टेट एनर्जी. तो आपसे पूछ ले कि जीरो पॉइंट एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की विद इन द बॉक्स, तो इतनी होती है. पुट n इक्वल टू 2, e2 विल बी इक्वल टू n की जगह 2 पुट करने पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर. तो ये जो वैल्यू है ये वाली, ये किसकी वैल्यू है, ये e1 की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 4e1. तो e2 जो है वो 4e1 होगा. पुट n इक्वल टू 3, सो e3 विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर. और ये किसकी वैल्यू है, ये e1 की वैल्यू है, सो e3 विल बी इक्वल टू 9 टाइम्स e1 एंड सो ऑन. तो आप देख पा रहे हैं कि जो एनर्जीज हैं इलेक्ट्रॉन की इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स वो क्वांटाइज्ड हैं. पहले हमारी एनर्जी E1 है, फिर 4E1 है, फिर 9E1 है. 4E1 और 9E1 के बीच में कोई भी एनर्जी नहीं होगी. 4E1 के बाद 9E1 होगा, 9E1 के बाद आपका नेक्स्ट हो जाएगा 16E1 एंड सो ऑन. दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड मेटल आर क्वांटाइज. तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जीज होती हैं वो क्वांटाइज होती हैं, ये यहाँ से हमने प्रूव कर दिया. तो इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स को हम ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, और साथ के साथ इस कांस्टेंट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो भी यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इन द अपकमिंग सेक्शन. तो स्टूडेंट्स आइए अब ड्रॉ करते हैं क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल. तो यहां पर जब n इक्वल टू 1 था तो आपकी एनर्जी कितनी आई थी, e1 आई थी. जब n इक्वल टू 2 था तो एनर्जी कितनी आई थी, e2 आई थी, जो कि 4 टाइम्स e1 था. जब n इक्वल टू 3 था तो एनर्जी कितनी आई थी, e3 आई थी, विच इज 9 टाइम्स e1. इसी तरह से जब n इक्वल टू 4 होगा तो एनर्जी जो आएगी वो आएगी हमारे पास e4 इज इक्वल टू 16 टाइम्स e1 आएगी. तो आप देख सकते हैं कि जो एनर्जीज होंगी इलेक्ट्रॉन्स की विद इन द मेटल वो क्वांटाइज्ड होंगी, और इनके बीच में जो गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है. e1 के बाद 4e1, e4e1 के बाद सीधा 9e1, 9e1 के बाद 16e1. तो ये एनर्जी जो है वो इक्वली स्पेस नहीं होंगी ये एनर्जी स्टेट्स, इस बात का आप ध्यान रखेंगे. अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है. द वैल्यू ऑफ ए कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन एज फॉलोस. तो अब हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को यूज करके इस ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे. नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमें क्या कहती है, देखिए प्रोबेबिलिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की विद इन द बॉक्स, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई स्टार इंटू साई से. यहाँ पर साई स्टार है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉक्स के अंदर होगा ही होगा. मींस एक्स इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इक्वल टू एल के बीच में 100% इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा. तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें बिटवीन द लिमिट जीरो टू एल, तो ये जो प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी वो 1 मिलेगी. तो अब हमें साई स्टार और साई की वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर, तो पुट कर देते हैं. साई स्टार क्या होगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, इसमें कोई भी आयता वाली टर्म नहीं है, इमेजिनरी टर्म नहीं है. तो साई स्टार जो होगा वो यही होगा ए साइन के एक्स, और आपका साई कितना होगा, साई होगा ये ए साइन के एक्स डीएक्स इक्वल टू 1. ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू 12 साइन के एक्स. साइन के एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर के एक्स डीएक्स इज इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर के एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, इसका आइडेंटिटी लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री की 1 माइनस कॉस 2 के एक्स बाय 2. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे बिटवीन द लिमिट 0 टू एल, तो एल बाय 2 मिलेगा आपको इक्वल टू 1. तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 बाय एल. तो ये ए की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो साई एक्स आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 2 बाय एल साइन के एक्स.
और के जो था आपका वो आपने कितना निकाला था, वो था एन पाई बाय एल, ये निकाला था। तो यहाँ पर आप एन पाई बाय एल पुट कर देंगे और ये आ गया आपके पास साइन एन एक्स की वैल्यू। दिस इज अ वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन विद इन अ मेटल। तो यहाँ पर एन की डिफरेंट वैल्यू पुट करके आप डिफरेंट आयन फंक्शंस जो है वो निकाल सकते हैं। अगर आप एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो साई 1x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास स्क्वायर रूट 2 बाय एल साइन पाई एक्स बाय एल आ जाएगा। इसी तरह से साई 2x आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 2 बाय एल साइन 2 पाई एक्स बाय एल आ जाएगा। और इसी तरह से साई 3x आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 2 बाय एल साइन 3 पाई एक्स बाय एल आ जाएगा एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स इसके बाद थोड़ा सा काम और बचा है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स बॉक्स के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर वेव फंक्शन जो है वो वैनिश हो जाता है, उन पॉइंट्स को बोलते हैं नोड्स। अब हम पोजिशन ऑफ नोड्स भी फाइंड करेंगे। तो आप लिखेंगे नोड्स एंड पोजिशन ऑफ नोड्स विद इन द बॉक्स देर आर सर्टेन पॉइंट एट विच फाई एन एक्स इज इक्वल टू जीरो, सच पॉइंट आर कॉल्ड नोड्स। बॉक्स के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर वेव फंक्शन वैनिश हो जाता है और इन पॉइंट्स को बोलते हैं नोड्स। मीन्स नोड्स पर साई एन एक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। साई एन एक्स क्या था, वो था स्क्वायर रूट 2 बाय एल साइन एन पाई एक्स बाय एल इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये टर्म जीरो हो नहीं सकती क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, एल जो है वो जीरो नहीं हो सकता, बॉक्स की जो विड्थ है वो जीरो नहीं हो सकती, टू तो कांस्टेंट ही है। तो साइन एन पाई एक्स बाय एल जो है वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो कब होता है, साइन साइन के इंटीग्रल मल्टीपल जो है वो जीरो होते हैं। साइन एम पाई जो है वो जीरो होता है जहां पर एम की वैल्यू होंगी जीरो वन टू थ्री सो ऑन। एन हमने यहां इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम एन ऑलरेडी ले चुके हैं। तो यहां से एन पाई एक्स बाय एल जो है वो एम पाई के बराबर आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी एम एल बाय एन। तो एम की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं, पहले हम एम की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स इक्वल टू जीरो, फिर एम की जगह वन पुट करेंगे तो आपको मिलेगा एल बाय एन, फिर एम की जगह टू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा टू एल बाय एन एंड सो ऑन। तो ये है पोजिशन ऑफ नोड्स। अब हम यहाँ पर एन की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। मिनिमम वैल्यू ऑफ एन इज वन, तो जब आप एन की वैल्यू वन पुट करेंगे तो आपको एक्स क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू जीरो पर वेव फंक्शन तो वैनिश होगा ही होगा। यहां पर एन की वैल्यू वन पुट करेंगे तो आपको एल बाय वन मिल जाएगा, मीन्स एल मिल जाएगा। तो इसको मैं एल लिख देता हूं। तो आपको एक वैल्यू और लेनी है एन इक्वल टू वन के लिए। एन इक्वल टू टू के लिए एक्स इक्वल टू जीरो तो लेना ही लेना आपने, दो हैं तो दो टर्म्स लेनी होंगी आपको, ये वाली भी और ये वाली भी। तो एल बाय टू एंड 2L by 2 जो कि हो जाएगा हमारे पास L। N equal to 3 के लिए x equal to 0 तो लेना ही लेना है, तो तीन वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको, एक दो और तीसरी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 3L by N and so on। L by 3 हो जाएगा, यहां पर 2L by 3 हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा 3L by 3 जो कि हो जाएगा आपके पास L। तो स्टूडेंट्स ये तो आ गया हमारे पास एंड सो ऑन, लिख दीजिएगा, ये तो आ गया हमारे पास पोजीशन ऑफ नोड्स। उसके बाद हम फाइंड करेंगे वो पॉइंट्स जहां पर वेव फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा और उन पॉइंट्स को बोलते हैं एंटी नोड्स इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे एंटी नोड्स एंड पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स के बारे में। विद इन द बॉक्स देर आर सर्टेन पॉइंट्स एट विच साई एन एक्स बिकम्स मैक्सिमम, सच पॉइंट्स आर कॉल्ड एंटी नोड्स। बॉक्स के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जहां पर आपका वेव फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा और ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं एंटी नोड्स। एट एंटी नोड साई एन एक्स विल बी मैक्सिमम, दैट इज स्क्वायर रूट 2 बाय एल साइन एन पाई एक्स बाय एल विल बी मैक्सिमम। तो ये टर्म जो है वो हम हटा देंगे यहां से, मीन्स यहां से हमें मिलेगा साइन एन पाई एक्स बाय एल इज इक्वल टू मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू साइन की कब होती है, साइन के सभी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 जो है वो मैक्सिमम होते हैं। साइन की मैक्सिमम वैल्यू है 1 होती है और साइन 1 हमें कब मिलता है, पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, 5 पाई बाय 2 पे। तो जनरली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 2m प्लस 1 पाई बाय 2 जहां पर m की वैल्यू जो होंगी वो होंगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहां से n पाई x बाय l जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2m प्लस 1 पाई बाय 2, पाई से पाई काट देते हैं तो यहां से x की वैल्यू आ गई आपके पास 2m प्लस 1 l बाय n। तो यहां पर m की डिफरेंट वैल्यूज पुट कीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम 0, जब 0 पुट करेंगे m की जगह तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू l बाय 2n। जब m की जगह 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा
3l बाय 2n, जब n की जगह 2 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 टू जा 4 प्लस 1 5l बाय 2n सो ऑन। तो यहाँ पर अब हमें n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, n की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है, तो n इक्वल टू 1 के लिए आपको एक ही एंटीनोड मिलेगा और उसके लिए आपको सिर्फ ये वैल्यू कंसिडर करनी है। तो आपको x की वैल्यू मिलेगी यहाँ से l बाय 2 n की जगह 1 पुट करके। n इक्वल टू 2 के लिए आपको दो एंटी नोड्स मिलेंगे, आपको इन दोनों टर्म्स में n की जगह 2 पुट करना होगा, तो आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेगी l बाय 2 टू जा 4 l बाय 4 कॉमा 3l बाय 2 टू जा 4 3l बाय 4। n इक्वल टू 3 के लिए आपको तीन एंटी नोड्स मिलेंगे और वो होंगे ये तीन एंटी नोड्स 1, 2, 3, यहाँ पर n की जगह 3 पुट कीजिए तो आपको मिलेगा l बाय 6, 3l बाय 6 और 5l बाय 6 मिलेगा। तो हमने एंड सो ऑन, तो हमने नॉट्स एंड एंटी नॉट्स की पोजीशन जो है वो फाइंड कर ली है। अब इसको हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो हमें नोट्स एंड एंटी नोट्स मिले थे उनको हमने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया है, अब हम प्लॉट करेंगे इन्हें। तो n इक्वल टू 1 के लिए जो वेव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होंगी वो 0 और l पर होंगी और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो l बाय 2 पर होगी। तो 0 यहाँ पर है, l यहाँ पर है, तो l बाय 2 जो है वो यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर कहीं वेव फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा। तो वेव फंक्शन को आप इस तरह से प्लॉट करेंगे, 0 और l पर वेव फंक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा और l बाय 2 पर मैक्सिमम हो जाएगा। और n इक्वल टू 2 के लिए तीन पोजीशन पर वेव फंक्शन वैनिश होगा, 0 पे, l बाय 2 पर और l पर, और दो पोजीशन पर वेव फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा, ये हमारा है l बाय 2, ये हमारा है l बाय 2 और ये होगा हमारे पास l बाय 4 और ये होगा हमारे पास 3l बाय 4 और ये होगा हमारे पास l। तो तीन पोजीशन पर वेव फंक्शन जो है वो मिनिमम हो रहा है, 1, 2, 3, 0 पर, ये है यहाँ पर 0 और l बाय 2 पर मिनिमम हो रहा है। तो वेव फंक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से आप प्लॉट करेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम होगा और 3l बाय 4 पर भी मैक्सिमम होगा और यहाँ पर वैनिश हो जाएगा। तो n इक्वल टू 2 के लिए कुछ वेव फंक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसको हम साई 2x नाम देंगे, ये होगा हमारे पास साई 1x। और साई 3x के लिए हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, इन चार पोजिशन पर वेव फंक्शन जो है वो मिनिमम होगा और इन तीन पोजीशंस पर वेव फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें लेंथ 0 टू l को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। दिस इज l बाय 6, दिस इज 2l बाय 6, दिस इज 3l बाय 6, दिस इज 4l बाय 6, दिस इज 5l बाय 6, दिस इज 6l बाय 6 मींस l। तो आइए प्लॉट करते हैं इसको, मिनिमम कहां कहां पर हो रहा है, 0 पर, l बाय 2 पर, 0 पर, l बाय L बाय 3 पर, L बाय 3 यहां पर होगा, 2, 3 जा 6, यहां पर L बाय 2 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2, 3 जा, इस तरह से आ जाएगा। तो इसको आप L बाय 3 लिख दीजिए, इसको आप L बाय 2 लिख दीजिए और इसको आप 2L बाय 3 लिख दीजिए, तो ज्यादा इजी रहेगा आपको। तो मिनिमम देखते हैं कहां पर हो रहा है, 0 पर, L बाय 3 पर, दिस इज अवर L बाय 3, तो यहां यहां मिनिमम कर दीजिए, तो ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। मैक्सिमम कहां कहां पर है, l बाय 6 पर मैक्सिमम है, 3l बाय 6 मीन्स l बाय 2 पर मैक्सिमम है और 5l बाय 6 पर मैक्सिमम है, दिस इज योर साई 3x। तो इस तरह से आप वेव फंक्शन को ग्राफिकली जो है वो प्लॉट करेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स के साथ, टिल देन टेक केयर।